नमस्ते प्यारे बच्चों, आज मैं आपको मेरी बगिया यह कमलेश तुली का जो पाठ है आपको समझाने वाली हूँ। मेरी बगिया इस पाठ में दो भाई बहन है, एक है ऋतिक और एक है अंकिता। ये है ऋतिक और ये है अंकिता, ये दोनों भी क्या है, भाई बहन है। ऋतिक और अंकिता दोनों भाई बहन बहुत ही समझदार थे, यानी समझदार यानी बहुत ही अच्छे थे। उनके पड़ोसी के आंगन में एक बहुत सुंदर बगिया थी। पड़ोसी यानी क्या होता है, जो अपने घर के बाजू में रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, पड़ोसी बोलते हैं। वो आंगन में एक बहुत सुंदर बगिया थी, यानी उनका जो आंगन था तो उनके आंगन में क्या थी, एक बहुत ही सुंदर बगिया थी। बगिया यानी छोटा सा बगीचा था। वे सोचते थे काश उनके घर में भी ऐसी ही बगिया होती। उन्हें लगता था काश मेरे घर में भी एक छोटा सा बगिया यानी छोटा सा बगीचा अगर होता तो। पर उनके घर बगिया उगाने के लिए जगह ही कहाँ थी, उनके घर में छोटा सा बगीचा उगाने के लिए जगह ही नहीं थी। उनकी माँ को जब भी पूजा के लिए फूलों की जरूरत होती थी, दोनों को पड़ोस के घर भेजती। अगर उनकी माँ को फूल चाहिए होते तो वो क्या करते थे, पड़ोस के घर में जाते थे, वे फूल ले आते। और वो क्या लेके आते, पड़ोस से फूल लेके आते थे। एक दिन क्या हुआ, जब वे दोनों फूल लेने के लिए गए तो पड़ोस की आंटी ने उनसे कहा, ये जो आंटी है उनसे कहा, बेटा रोज फूल कहाँ से आएंगे, यानी रोज रोज फूल कहाँ से आएंगे, दो चार फूल बचे हैं ले जाओ, थोड़े से फूल बचे हैं दो चार, तो आप क्या करो उसको लेकर जाओ। आंटी की बात सुनकर वे उदास हो गए, उन्हें थोड़ा दुख हुआ, उदास होना यानी दुख होना। एक दिन दोनों ने दूरदर्शन पर देखा कि गमले में भी पौधे उगाए जा सकते हैं। उन्होंने देखा टीवी में, दूरदर्शन यानी टीवी, उस पर देखा कि गमलों में अगर हम झाड़ उगाएंगे तो वो भी बहुत सुंदर पौधे बन जाएंगे। वे बड़े खुश हुए, उनको बहुत खुशी हुई। उन्होंने यह बात अपने माता पिता को बताई। उन्होंने इस बात को कहाँ बताया, अपने माता पिता को बताया। वे पौधे लगाने के लिए गमले ले आए, फिर उन्होंने क्या किया, गमले लाए, गमलों में दोनों ने मिट्टी डाली। ये जो गमला है इसमें क्या डाला, मिट्टी को डाला, फिर इसमें खाद और पानी मिलाकर ये जो फूल के पौधे है वो यहाँ पर लगा दिए। फिर वो क्या करते थे, रोज इन दोनों पौधों की अच्छी तरह से देखभाल करते थे। धीरे धीरे पौधों में फूल खिलने लगे। अभी इनकी अच्छी देखभाल करने की वजह से क्या हुआ, इनमें अच्छे से फूल खिल गए। गमलों में खिले फूल देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ये दोनों भी बहुत खुश हो गए कि देखो हमारे भी घर में अभी छोटी सी बगिया तैयार हो गई है। घर फूलों की खुशबू से महक उठा, घर में क्या आया, फूल की खुशबू आई। उनकी बगिया देखने वाले पड़ोस वाली आंटी और अंकल भी आए। उनकी जो बगिया थी, उनका जो छोटा बगीचा था, वो देखने के लिए कौन आया, पड़ोस वाली आंटी और अंकल भी आए हैं। दोनों को शाबाशी देते हुए अंकल ने कहा, सचमुच जहाँ चाह वहाँ राह। अंकल ने क्या कहा, उनकी प्रशंसा की, उनको शाबाशी दी और उनको क्या कहा कि जहाँ चाह होती है, यानी जहाँ आप चाहते हैं कि कोई चीज करना है, कुछ काम करना है, वहाँ राह यानी वहाँ पे बराबर रास्ता निकलता है। सही है ना बच्चों, अगर हमारी कुछ भी काम करने की इच्छा हो तो हमें हमेशा अपना रास्ता मिलता है, चाहे वो कितना भी कठिन या मुश्किल रास्ता हो, बराबर है ना। इसलिए कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह। फिर मिलते हैं बच्चों, धन्यवाद।